बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शंकर जी पहले नल्ला उठाए हैं तो अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में कढ़ाई मटन चावल और आमलेट रखा हुआ, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है कढ़ाई मटन चावल और आमलेट खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कढ़ाई मटन के साथ में लगा हुआ है चावल और आमलेट। तो आज हमारा 5 आमलेट चावल और कढ़ाई मटन ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में 2 चैलेंजर बैठ चुके हैं, शंकर जी और राजू जी। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1 kg मटन और के साथ में चावल और आमलेट उड़ाता है और कौन 2100 रुपए की राशि ले जाता है, कौन सिर्फ जो है कढ़ाई मटन चावल और आमलेट का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में 2 महारथी बैठ चुके हैं, एक तरफ है शंकर और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं राजू। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 2100 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाते हैं। देर न करते हुए पवन जी टाइमर को चालू कर दीजिए और टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही दोनों लोग पूरी तरह से राजू तो आमलेट पे हड्डी रखने के लिए 2 प्लेट ला दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शंकर जी पहले नल्ला उठाए हैं तो जो है राजू जी पहले आमलेट सोच रहे हैं उड़ा देते हैं, उसके बाद जो है मटन में आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत गजब साहस लगा और... देखते हैं उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करके इनाम की राशि 2100 रुपए कौन ऐसे चैलेंजर है जो लेकर के जाते हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते इस समय शंकर पूरी तरह से एक पीस को पूरी तरह से अंजाम दे दिए हैं और इधर राजू आमलेट के साथ चावल को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता कौन है और जो सबसे पहले मंजिल पर पहुंचेगा वही पाएगा 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत गजब। सोच रहे हैं आमलेट पहले उड़ा लेते हैं, उसके बाद जो है मटन और चावल का आनंद लेते हैं। हाँ। और आनंद लेते रहिए भैया, लेकिन चैलेंज में जो चैलेंजर फोकस करेगा, जो चैलेंजर विन करेगा वही इनाम की राशि पाएगा और जो चैलेंजर विन नहीं कर पाएगा वो इनाम की राशि नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गजब। और देखते ही देखते इस समय राजू और शंकर पूरी तरह से जो धैर्य और साहस का नजारा दिखाते हुए मंजिल पर जा रहे हैं, बहुत गजब, बहुत तेजी बरत रहे हैं। तो देखना है कि जो 22 शंकर लगा रहे हैं इस 22 चैलेंज स्टार्ट होते ही तारीफ करने लगे, चैलेंज मटन बहुत मस्त बना है कह रहे हैं। तो देखते हैं जो मस्त बना है उसके साथ जबरदस्त इनाम की राशि कौन लेकर जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। और इधर जो बाइट लगा रहे हैं राजू भी और शंकर, दोनों की बाइट बहुत तगड़ी, बहुत तेजी वाली बाइट चल रही है। देखते हैं और प्लेट को कितने समय में खाली करके दोनों चैलेंजर इनाम की राशि ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और देखते ही देखते राजू और शंकर दोनों लोग जो स्पीड पकड़े हैं वास्तव में बहुत गजब की स्पीड पकड़े हैं। राजू पूरी तरह से सोच रहे हैं कि हम आमलेट को एकदम गर्दा गर्दा समाप्त कर दे, एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए। शंकर भी इधर चावल की बाइट ले रहे हैं मटन के साथ और अभी 2 मिनट हुआ है, आधा चावल दोनों चैलेंजरों के पास गायब हो चुका है। हमको लग रहा है 5 मिनट के अंदर ही ये लोग 2100 रुपए इनाम की राशि ले जा पाएंगे, हमको लग रहा है। बहुत गजब। और इधर देखिए राजू पूरी तरह से सोच रहे हैं कि एकदम नपी तुली बाइट अगर लेते रहेंगे तो हो सकता है शंकर को पीछे कर जाए, लेकिन शंकर शंकर है। शंकर जब पूरी तरह से अपने पे आ जाते हैं तो समझ के लिए अगले चैलेंजर का छक्का छूट जाता है और जो बाइट बना रहे हैं शंकर बहुत तेजी बाइट बना रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर हैवी बाइट नहीं लेंगे तो राजू स्पीडर है, लेकिन राजू तो जो रोटी की स्पीडर है, हो सकता है चावल में भी, लेकिन इसीलिए चावल पहले राजू जी खाना शुरू कर दिए थे। हाँ। सोच रहे थे अगर चावल पहले नहीं खाएंगे तो शंकर जी उड़ा देंगे और बाजी मार जाएंगे। बहुत गजब। और देखते ही देखते पूरी तरह से राजू और शंकर, बहुत गजब। और शंकर की बाइट वास्तव में बहुत गजब की बाइट है, एकदम हाई वोल्टेज वाली बाइट लेकर चल रहे हैं शंकर। तो देखना है इस हाई वोल्टेज बाइट का जवाब राजू किस बाइट से करते हैं। बहुत गजब। और राजू भी साहस लगाए हैं, उस साहस को देखते हैं कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। और राजू जो स्टाइल लगा रहे हैं, एक बाइट मारते हैं, 2 बाइट मारते हैं समझ के लिए, और ऐसा लग रहा है राजू जी खाते खाते झुक गए हैं, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं। काफी जो है राजू जी को दिक्कत हो रही खाने में। बहुत गजब। और इधर देखते ही देखते दिक्कत भले ही हो रही है लेकिन राजू पूरी तरह से सतर्कता बरतते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो बाइट ले रहे हैं बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं, जितना चावल था उसको सारा उड़ाने लगे हैं। बहुत गजब। चावल उड़ा करके मटन में आते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखते ही देखते शंकर जी तक टीम लगाते हैं पूरे, क्या राजू जी आज बिन कर पाते हैं या फिर मटन का आनंद लेकर ही जाते हैं। और शंकर पूरा चावल मिला रहे हैं तो जो बाइट बनाएंगे बहुत तगड़ी बाइट बनाएंगे, फूर्ति लगानी होगी राजू जी को तभी चैलेंज बिन कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन राजू जो होशियारी कर रहे हैं, बहुत गजब की होशियारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम मटन खाते रहे खा लेंगे तो जो
ब्रेकर है उस ब्रेकर को समाप्त कर लेंगे, जबकि शंकर पूरी तरह से जितना मटन की पीस है उसको एक तरफ रख दिए हैं और सोच रहे हैं कि चावल खाने के बाद खाएंगे। लेके चल रहे हैं, सोच रहे हैं मटन को भी साथ में लेके चलेंगे तभी चैलेंज में आगे जा पाएंगे। बहुत गजब। और राजू इस समय नॉन स्टॉप बाइट ले रहे हैं और नॉन स्टॉप बाइट के साथ पानी का स्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इधर शंकर पूरी तरह से सोच रहे हैं कि जितना चावल हम मिलाए हैं उसको बहुत जल्दी खत्म करके मटन और आमलेट को एकदम अंजाम दे देते हैं। और बहुत गजब। और जो ब्रेकर के रूप में रखा हुआ है मटन की पीस, तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है, शंकर या फिर राजू। बहुत गजब। इतना खाना खाना भी काफी मुश्किल का काम है। हाँ, और इधर देखते ही देखते राजू भी अपना जो छोटी छोटी बाइट तो ले रहे हैं लेकिन लगभग नॉन स्टॉप बाइट ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी चूक कर जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी। और इधर शंकर बाइट तो हैवी ले रहे हैं, पहले से तो छोटी हो गई है बाइट, और शंकर जी फुल फॉर्म में हैं। हाँ, और जो साहस लगाते हैं उस साहस को देखने लायक होता है। बहुत गजब। और इस समय राजू आमलेट का स्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं राजू जी कौन सी तरकीब लगाते हैं आज। तरकीब तो लगा लिए हैं, सोच रहे हैं कि पहले हम इस ब्रेकर को ही तोड़ देते हैं उसके बाद आगे जाते हैं। और शंकर सोच रहे हैं कि पहले हम चावल को समाप्त कर लेते हैं तब आगे जाएंगे। तो देखना है कि दोनों लोगों में सबसे पहले मंजिल पर पहुंचकर 21 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेते हैं। बहुत तो बढ़िया। हमारा यह वीडियो अमेजिंग इलाहाबादी कुकिंग चैनल पर लाइव चल रहा है, आप लोग देखिएगा जाके। लेकिन लाइव जो है अभी बाद में आएगा तो लाइव का प्रचार नहीं कर सकते हम। हाँ, तो चलिए ठीक है। बहुत अच्छी कोशिश है क्योंकि अमेजिंग इलाहाबादी पर यह वीडियो आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बहुत गजब। और जो साहस लगाया है देखते हैं उस साहस का कितना फायदा उठाते हैं शंकर जी। और राजू जी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी फॉर्म में नहीं आए हैं। बहुत गजब। और राजू जी फॉर्म में, और ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में बैठते ही राजू जी शंकर जी थोड़ा सा घबरा गए, दब दब के चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन जो राजू होशियारी बरते थे वो होशियारी बहुत अच्छी थी, सोच रहे थे कि पहले हम ब्रेकर के रूप में जो मटन की पीसे उसको समाप्त कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। लेकिन शंकर देखते ही देखते पूरा चावल समाप्त कर लिए। अगर राजू जी चाहेंगे तो खत्म कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी शंकर के थाली में एक आमलेट और कई पीसे मटन की रखी हुई है, तो देखना है कि शंकर क्या कमाल करते हैं, क्या शंकर राजू से पहले समाप्त कर लेते हैं। राजू जी के पास मटन है, दो ही पीस बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और देखते ही देखते इस समय शंकर पूरी तरह से मटन के पीस पर आ चुके हैं और सोच रहे हैं कि हम राजू से पहले इस मटन की पीस को समाप्त करके 21 रुपए का नगद पुरस्कार ले लेते हैं। लेकिन राजू के पास मात्र 3 मटन की पीस है लेकिन चावल और आमलेट एक्स्ट्रा में है, इसलिए हो सकता है कि राजू वहां तक ना पहुंचे जहां से 21 रुपए मिलना है। बहुत बढ़िया। तो पवन जी क्या लगता है, राजू पहुंच जाएंगे शंकर को पीछे कर जाएंगे? राजू जी सरेंडर कर दिए, खा नहीं पाएंगे क्या? राजू जी बैठ गए हैं बिल्कुल। राजू जी क्या कहना चाहेंगे? लेकिन राजू कहते कहाँ हैं, वो तो पूरा काम करते ही रहते हैं, सोते हैं कि जी आज ग्रीन लाइट का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं मटन चावल को उड़ाए दिए हैं, अब आमलेट और दो पीस मटन का बचा हुआ है उसको भी उड़ा लेते हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते मात्र अब आमलेट एक पीस बचा हुआ है और जो मटन की पीसे हैं वो भी लगभग भागती नजर आई हैं। और राजू के थाली में अभी भी चावल ग्रेवी के साथ यहाँ पर अंडा का जो आमलेट बचा हुआ है बहुत काफी मात्रा में बचा हुआ है सब आइटम। 100% ऐसा लग रहा है कि राजू जी इस चैलेंज में जीत नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि राजू जी जीतेंगे या शंकर जी। बहुत गजब। और शंकर ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे और ग्रीन सिग्नल आ चुका है और देखिए क्या कमाल करते हैं, क्या करते हैं शंकर जी, पहुंच जाएंगे ना? शंकर जी तो बिल्कुल पहुंचाए हैं, सोच रहे हैं राजू जी को थोड़ा दौड़ा देते हैं उसके बाद चैलेंज भी जीतते हैं। बात गजब। और राजू फिर से चावल को मिला लिए हैं और बाइट बनाना चालू कर रहे हैं, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं, क्या शंकर को राजू मात देंगे या खुद शंकर से पीछे हो जाएंगे। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और देखते ही देखते जो मटन की पीसे हैं उसको शंकर पूरी तरह से अंजाम देना चालू कर दिए हैं और लास्ट पीस को इस समय एकदम पूरी तरह से मंजिल पर पहुंचा रहे हैं और बचा हुआ है तो आमलेट, और उस आमलेट को खाते ही शंकर पूरी तरह से 2100 रुपए के भी जेता हो जाएंगे। तो इसी तरह से शंकर जी विन करने वाले हैं, तो शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और राजू जी एंजॉय करते रहिए। बहुत बढ़िया। और सोच रहे हैं जरा सा भी मटन हड्डी में ना रह जाए, बिल्कुल निकाल करके साफ करके खाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और साफ भी कर लिए हैं बहुत अच्छी तरह से, अब मटन की जो पीस है उसको रखते हैं और उसके बाद आमलेट पर गए हैं। आमलेट को खाते ही
2100 रुपए के विजेता हो जाएंगे। और बहुत गजब तरीके से शंकर इस समय राजू को मात दिए हैं। राजू ऐसा लग रहा है थोड़ा तीखा भी लग रहा है, शंकर जी को चेहरे से थोड़ा सा पता लग रहा है। और देखते ही देखते राजू को शंकर पूरी तरह से हरा दिए हैं और 2100 रुपए जीत गए हैं। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि को कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में शंकर बहुत फुर्ती दिखाए और जो बाइट लिए थे आज बहुत नपी तुली बाइट लिए हैं और पेट को सहला रहे हैं कि आपके ही जरिए हम 2100 रुपए जीते हैं। तो इस समय राजू खा ही रहे हैं, तो पवन जी शंकर को इनाम दिया जाए। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश दे रहे हैं। राजू जी आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और कैसा बना हुआ है राजू जी मटन, खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप आज तेजी नहीं बरते, क्या बात थी? हमसे भाई चावल चलता नहीं। अच्छा, चावल देख करके थोड़ा सा ये बुझ जाते हैं। हाँ। इनकी जो मतलब तेजी रहती है डाउन हो जाती है, तो बैटरी डाउन हो गई है राजू जी के। तो राजू जी आए, हौसला दिखाए, राजू जी का धन्यवाद करते हैं। और शंकर जी आपको इनाम की राशि कितनी मिली है अभी? जोर घटाना नहीं पा रहे, मतलब जोर नहीं पा रहे, कितना है कंफ्यूज है, थोड़े से समझ नहीं पा रहे हैं। 1300। ध्यान दीजिएगा कहीं शंकर, दो 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 सौ की नोट 8 है और एक 500 की नोट है, तो कह रहे 1300, 8, 5, 1300। 2100 है ना, कितनी नोटे हैं, किस कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 16, 5, 21। हाँ, तो आप सही है ना, कम से कम जोड़ तो लिए 2100 रुपए। तो आपको यह इनाम जीत करके कैसा लग रहा है? अब पैसा पाके अच्छा लगता है भैया। हाँ, तो थोड़ा सा तीखा था, थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि लाइव वीडियो भी चल रही है। देखिए मतलब पैसा पाके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और थोड़ा तीखा था। हाँ, तीखा भी था और प्लस जो है खाना बहुत ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे थे, बहुत ज्यादा खाना था। खाना था कि कैसे भी करके पैसा लेना था भाई, इसलिए खाया। और पैसा कमाने के लिए आदमी कुछ भी करता है, ऐसे आप लोग जानते भी हैं। तो ज्यादा ओवर तो नहीं था? नहीं, इतना ओवर भी नहीं था। फिर हाल खाना खा लिए तो ओवर नहीं है। हाँ। अगर नहीं खा पाते तो ओवर रहता है। तो मटन और चावल कैसा था? बहुत बढ़िया बना था, बहुत नंबर के बना था। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से आप लोग भी इन लोगों के हौसले के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहे। और 2100-2200 इनाम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।